हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और सब खिचड़ी बनाइए घी वाली और मज़े से खाइए। और कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या क्या करते हैं मकर संक्रांति के दिन। बेटी और ससुर जी अंदर बैठे हुए, दिखाती हूँ मैं आपको क्या कर रही है। अपना बैग लगा के एवोकाडो वाला। सॉरी, हाय बोलो, हाय कर दो, हाय बोल दो। क्या कर रही हो आप? फोन देख रही हो या पढ़ाई कर रही हो? क्या कर रही हो? पढ़ाई? और वो फोन क्यों खोला हुआ फिर? बदमाशी। फोन देखते देखते पढ़ाई हो रही है। और अभी बज रहे हैं 1:30 और हमने आज बहुत लेट किया क्योंकि हस्बैंड को नहलाया, बेटी को नहलाया, बेटे को बेबस छोड़ के आई। और तब तक हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आ गए। देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एक्सरसाइज, कपिंग थेरेपी हो रही है। हाय रिशु, हाय। क्या हो रहा है आज चाचू का? आज चाचू की कपिंग थेरेपी हो रही है, डायनेमिक कपिंग। इससे क्या होगा? इससे बेसिकली मसल रिलीज होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और पेन भी होगा। पेन तो ऑब्वियसली होगा। आज ज्यादा पेन होगा कि कम? ज्यादा ही पेन होगा। अभी आवाज आएगी थोड़ी देर में आपको। अभी तो हंसी की आवाज आ रही है, शूट हो रहा है ना, इसलिए हंस रहे हैं। कंट्रोल कर रखा है, लोगों को पता ना चल जाए ना कि कितना दर्द हो रहा है। कितना दर्द हो रहा है। तो ये डेली बेसिस पे होगी? नहीं, ये अल्टरनेटिव्स पे। अच्छा, नीडल भी करेंगे हम लोग, आईएसटीएम टूल के थ्रू रिलीज भी करेंगे। अच्छा, तो जितनी भी अकड़न है इनके पैर में बेसिकली हमें वो रिलीज करनी है ताकि रेंज ऑफ मोशन हम लोग कंप्लीट ले सकें। अब देखो इस एरिया में कितना ब्लड, हाँ, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ है ना, रेड हो गया पूरा। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन, उतनी अच्छी रिकवरी, अपने आप रिलीज हो गया। तो चाचू ने इसको भी रिलीज कर दिया। ऐठन आ रही है ना, ठंड भी है ना, एक तो ठंड की वजह से। हाँ, चाचू आपके एक्सप्रेशन भी दिखा दे थोड़ा। हंसी वाले की दर्द वाले? ओ मजा आ रहा है। हाँ, रोलर कोस्टर राइड है। रोलर कोस्टर राइड? कौन सी राइड है? रोलर कोस्टर राइड। ये हो रही हस्बैंड की कपिंग थेरेपी, कप्स लगा के। हैं नीचे हड्डी दर्द कर रहा है? जब ऑपरेशन तो दर्द कर रहा है नीचे से। ये वाला जो नीचे वाला कप लगा ना, ये वाला? हाँ, कोई अच्छा। बात नहीं। और कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक? बैकग्राउंड म्यूजिक दबाना शुरू हो गया। तुम्हारे ना, ये है हमारे मिस्टर रिशन सिंह, जिन्हें हम रिशु कहते हैं, यही करने आते थेरेपी। ये काम अपना इतने अच्छे से करते हैं, चाचू बोलते हैं पर थोड़ा आराम नहीं देते। प्रॉपर जितना करना चाहिए, पेन देना चाहिए, देते हैं जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर करे। और टाइट हो गया। आप आवाज सुन ही रहे होंगे कि कितना दर्द हो रहा है। नीचे दर्द हो रहा है।
बस रिलीज हो गया। कैसा लगा? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। आवाज से तो नहीं लग रहा, आवाज में तो हंसी आ रही है। रिलीज हो गया बस। पता नहीं क्यों उन्हें टाइट आज पकड़न है, ठंड भी है इसलिए। एक काम करते हैं, आप अंदर जितना जाए फिर मैं अपनी थाई से पुश करता हूँ, उसे दोनों साइड से पुश। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कितना पेन हो रहा है, कितना जोर लगाया जा रहा है। साथ साथ मोटिवेशन मोटिवेट भी करते जा रहे कि बस हो गया। तो ऋषु बताओ कैसी इनकी प्रोग्रेस? प्रोग्रेस अच्छी है काफी, पहले से बहुत इम्प्रूव किया है। जो चीज 3 महीने में अचीव करनी चाहिए थी वो हमने लगभग 1.5 महीने में अचीव कर ली है। ऑल बिकॉज ऑफ यू, नॉट मी, आपका भी एफर्ट है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली बात है, अगर तुम इतना नहीं करते तो पेशेंट्स के रहते हैं, डॉक्टर के भी रहते हैं, उस हिसाब से तो कर ही नहीं रहे उतना क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता ना। नहीं, स्टार्टिंग में जो इन्होंने अपने एफर्ट्स मारे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में अगर अच्छा एफर्ट्स हो जाते हैं तो बाद में तो फिर चीजें, अब ये है कि टाइम नहीं मिल पाता ना। हां अभी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, तो चला जाएगा। अभी कितना गैप? अभी अराउंड 105 चला गया, उसके ऊपर चला जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री। 360 तो नहीं होता है कंप्लीट, 150 कंप्लीट रेंज होती है। अच्छा, 45 है अभी। हां आप मान लो इतना रहेगी, चल जाएगी इतनी लगभग। कब तक? मतलब एकदम कंप्लीट नहीं बोलूंगा कि 150 ही चली जाएगी, बट 130 35-40 तक चली जानी चाहिए। टाइम लगेगा इसमें, ठंड है इस वजह से अकड़न ज्यादा है। नेक्स्ट मंथ शायद थोड़ा अच्छा हो जाए क्योंकि थोड़ा, हाँ, और बेटर हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगी और हम जिस रेंज पर लेके आएंगे उस रेंज पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि फिर उसके आगे पुश करें। तो पुश करेंगे तो पेन आएगा और वो बियर करना पड़ेगा। तैयार हो? पेन लेने के लिए तैयार हो? इधर तो दिखाओ, स्वाधीन तो भाई का है, भाई का है नहीं, बड़े भैया का है, ऋषु भैया का है, ये है का है, गोदी में नहीं गए आज? नहीं, तो अब इनका सेशन हो गया कंप्लीट, अभी आएंगे कल। नहीं, अभी पार्शियल वेट बेयरिंग वॉक कराएंगे। अच्छा, अभी वॉक रह गई है, तो अभी रेस्ट कर रहे हैं। हाँ अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज करिए ना। से हाय। हाय बोलो। देखो कितने फ्रेंडली है, मेरी बेटी इनकी गोद में रहती है। कुछ नहीं किया आज अपने भैया को, किसी का दो, किसी का दो, कैसे कर दो, किसी आज पूछी नहीं करना, आज कैमरे पे फोकस है। स्वाधीनता किसी कैसे करते हो आप? कर दो जरा, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। ये किसका बैग है? आपका है, मेरे को दे दो यार, स्कूल जाना नहीं है। बाय कर दो फ्रेंड्स को, बाय। फ्लाइट फ्लाइट किस भी कर दो।